जिसमें हमारे पास पहले तीन फैकल्टी आ चुकी है। आज की जो हमारी फैकल्टी है श्री जयप्रकाश तोमर जी, कितने लोग इनको जानते हैं यहाँ पर, लोकल? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, काफ़ी काफ़ी लोग जानते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग जानते हैं, इतने आप लोग अवेयर है कि आप लोग जानते हैं हमारे लोगों को यहाँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बेटा कि हम उन लोगों को यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के लिए लाते हैं जो एक रोल मॉडल होता है। पहले भी मैंने ये चीज़ बताई है आप लोगों को कि जो रोल मॉडल होगा उन्हीं लोगों को हम यहाँ लाते हैं और वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और कुछ हमारे टॉपिक होते हैं जो जिस पे कि हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे आज जो जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश तोमर जी कलाथा से है बेसिकली, यही किलोड़ में रहते हैं और अभी एक चैनल में काम कर रहे हैं पहाड़ प्राइम में, बच्चों को सबको पता है। और सबसे जो इनकी खूबी मुझे लगी, जो मैंने इनको यहाँ लाना उचित समझा, मैंने इनकी अभी इलेक्शन के दौरान जो न्यूज़ देखी है, जो इन्होंने पहाड़ प्राइम में न्यूज़ डाली, बिल्कुल निष्पक्ष होकर किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में या किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में, मैंने इनके इंटरव्यूज भी देखे जो इन्होंने जितने भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी थे उनके इंटरव्यूज इन्होंने लिए हैं। शिलाई विधानसभा को ले लो चाहे गोंडा विधानसभा को ले लो, तो मैंने देखा कि अगर ये बंदा ऐसा निष्पक्ष है और वो भी हमारे यहाँ के लोकल है, किलोड़ के रहने वाले हैं, तो मैंने समझा कि मैं क्यों ना इनको अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाऊँ। और सबसे बड़ी खूबी है इनकी कि ये निष्पक्ष चलते हैं। बेटा हमारा जो स्कूल है यहाँ पर सारे सारे धर्मों के सारे राजनीतिक दल के लोग पढ़ते हैं, पता है ना आप लोगों को, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार जो भी फैकल्टी आए वो बिल्कुल ऐसी फैकल्टी हो जो बच्चों को कुछ दे के जाए, दे के मीन्स अपना एक्सपीरियंस, एक रोल मॉडल जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं इनको इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सबसे और दूसरी एक इनकी बड़ी खूबी है, एक प्राउड होता है इस चीज़ में कि जयप्रकाश जी इसी स्कूल के स्टूडेंट है, इसी स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अभी बना है, शायद सीनियर सेकेंडरी था सर उस टाइम, उस टाइम ये सीनियर सेकेंडरी क्या 10वीं तक था, हाई स्कूल था उस टाइम जब सर यहाँ पढ़ते थे, ठीक है ना। तो ये इनके लिए गर्व की बात है कि जहां से इन्होंने टेंथ किया है और आज यहाँ पर लेक्चर के लिए आए हुए हैं। मीडिया से है तो मैं चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है या बहुत सारे ऐसे फैक्ट चीजें आ जाती है जो जिससे कि हम लोग बहुत सारे लोग अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सर जो है सोशल मीडिया के बारे में जो आप लोग अवेयर रहें, ठगी महसूस ना करें, इसके बारे में सर आपको आज जो है ना यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर देंगे। आज मैं खुशकिस्मती समझता हूँ हमारी भी और आपकी भी कि आज की तारीख में भी इस हिसाब से सर आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि होता क्या है देखो, जैसे ये सब्जेक्ट जब सिक्योरिटी, अब इन्हें तनख्वाह मिलेगी, ये चाहे जितना भी करें, चाहे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा ना कुछ बताएं, इतना एफर्ट ना करें कि इन्होंने हमारे पीछे लगे रहे फिर इन्होंने हमें बुलाया, दो तीन बार इनकी जो है कॉल हमें आई लेकिन समय हमारे पास नहीं लगा। तो होता क्या है कि हमारी तरफ लोग ईगो ले लेते हैं, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, नहीं आया तो मैं क्यों जो है, मेरी इनकी तनख्वाह तो आएगी आएगी, इसके बावजूद भी ये कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को लेके आ रहे हैं समझाने के लिए आपको बताएं, क्योंकि समझाने से मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा अभी, क्योंकि उम्र ऐसी होती है कि आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये चीज़ें काम आएगी या ना आएगी, लेकिन हमें मालूम है कि यही चीज़ें काम आती है। अब जब हम आपकी उम्र में थे, काश हमारे समय में ऐसे अध्यापक होते या फिर हमारे बीच कुछ ऐसे लोगों को लेके आते जो अपना अनुभव बताते हैं, क्योंकि सर ने तो मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा कि हमने जो है आज कहां से कहां पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काम आते हैं सिर्फ अनुभव। यहां पर एक से एक गांव में पंचायत में हमारे कई लोग हैं जो नौकरी करते हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पर है, कोई प्रोफेसर है, कोई SDM बन गया, कोई किसी ना किसी पद पे पहुंचा है, लेकिन क्या वो किसी को अपना अनुभव बताते हैं बिना पूछे, या फिर पूछ कर भी अगर कोई पूछ रहा है तब भी बताते हैं? समय नहीं आज की तारीख में लोगों के पास, वो समझाते नहीं है, बताएंगे नहीं आपको। लेकिन जब सर ने कोशिश की, बुलाया हमें, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को कम से कम वो चीज़ें तो बताई जाए जो आपको ज़िंदगी में काम आएगी आगे। सबसे अहम बात है जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी कैसे आएगी, जानकारी धीरे धीरे आती है,
जानकारी ऐसा नहीं है कि अभी आप सोचोगे कि कल करेंगे आगे बढ़ेंगे या फिर तैयारी करेंगे बाद में, कि जानकारी तुम एक ही समय में जब कभी तैयारी करने बैठोगे, जैसे 12वीं के बाद जाओगे, कॉलेज के बाद जाओगे, क्योंकि आपके घर परिवार में कई लोग जब आप देखते होंगे कि कहते हैं कि तैयारी करने गए हैं, कहाँ गए हैं, शिमला गए हैं, नाहन गए हैं, तो जब आप शिमला नाहन पहुंचोगे तो वहां जाकर सिर्फ यही नहीं है कि आप जानकारी वहां पर पढ़ोगे और वही आपको एकदम से आ जाएगी, जानकारी यहीं से शुरू होगी। और कैसे आएगी जानकारी, कितने लोगों को मालूम है कि कितनी विधानसभाएं हैं हिमाचल प्रदेश में, कितनी है? 68, ठीक है बैठ जाइए, 68 विधानसभाएं हैं, आप लोगों को मालूम नहीं था? तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ये कैसे आएगी, कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, आपने झिझक खोलनी है। अब मैं अगर लास्ट तक भाषण देता रहूं, आप में से कितने लोग कहेंगे कि अगर ये भी ना बताते कि कितनी आपको मालूम ना होती, कितने लोग कहते हैं कि सर कितनी है, कोई नहीं पूछता, झिझक होती है हमारे अंदर। और झिझक से हमारा मतलब ये नहीं है कि हमारे जो अभी हम होता क्या है इस उम्र में कि हम सर से भी पूछने से शर्माते हैं, सोचते हैं कि क्या पूछना है, भले ही आपकी रुचि हो कि मुझे ये सवाल जानना है कि इस सवाल का क्या जवाब है, तो हम झिझक महसूस करते हैं, शर्माते हैं। शर्माने से मतलब ये नहीं है कि आप गांव में जाते हैं, आप वहां पर शादी होती है, वहां पर नाटी लगाते हैं, बीच में नाचते हैं, शर्माने से मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि हम नहीं शर्माते, मैं तो जो है डीजे में नाचती हूँ, मैं तो हमने तो लड़कों ने हमने तो जो रामलीला होती है उसमें मैं सांग की बना था, मैं नंगा नाचा था जैसे सांग में होता है, वो शर्माना नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं शर्माता। शर्माने से मतलब है जब कहीं आप इस रामलीला से, इस नाटी से बाहर निकलोगे, कहीं जाओगे, जैसे सर ने बताया धक्के खाए, जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आपकी झिझक खुलनी चाहिए किसी से भी बात करने के लिए। कोई भी आपको, कोई बड़े से बड़ा नेता आए, वो आपसे पूछे तो आप बेझिझक बात करें। इसका फायदा क्या होगा, आप बेझिझक सवाल करोगे, सवाल किससे करोगे जो कुछ गलत हो रहा होगा, इसलिए आपने अपनी सबसे पहले झिझक खोलनी है। झिझक दो ही चीजों से खुलती है, या तो आपको हर चीज पता हो, जानकारी हो आपके पास, और या आपके अंदर रुचि हो कुछ जानने की, तो आपने सबसे पहले झिझक खोलनी है। फिर जागरूक रहना है, पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें, अगर नहीं पता है तो सर से पूछिए, या फिर घर जाकर टेलीविजन देखिए, टेलीविजन में आप न्यूज चैनल देखिए, कम से कम दिन का आधा घंटा न्यूज देखिए। लेकिन आज की तारीख में भी जब आप न्यूज देखेंगे तो उसमें भी न्यूज चैनलों में आजकल डिबेट चली होती है, डिबेट में जब आप इस उम्र में जाकर देखोगे तो आपके दिमाग में हिट करेगी कि देखिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है वहां पर, क्योंकि आज की तारीख में टेलीविजन पर वैसा हो रहा है। पर इसका भी मैं आपको इलाज बताऊंगा, आपने डीडी न्यूज दूरदर्शन देखना है, रोज आधा घंटा आप देखेंगे तो आपको आधी जानकारियां तो वहीं से आ जाएगी, आधे से ज्यादा जानकारी वहीं से आ जाएगी, क्योंकि वहां पर बताएंगे कौन राज्यपाल है, राज्यपाल आज कहां गए, प्रधानमंत्री की मीटिंग कहां थी, और उसमें कई चीजें आती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है। इसलिए आप जो है जानकारियां अभी से जुटाना शुरू करें। दूसरा, आपको लगता होगा कि कई चीजें हमें मालूम नहीं है, जैसे ये चीजें जो मैं अभी देख रहा था सामने, सड़क यातायात नियम वगैरह, ये हमने जब हमारी जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमने शहर में जाके देखा, उस समय मोबाइल भी नहीं थे इतने, इंटरनेट नहीं था, ऐसे पोस्टर मुझे लगता है उस समय गुरुजी ये तो सड़क यातायात के तो शायद जो है बाजार में ही मिलेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ राष्ट्रीय गान और जो है प्रतिज्ञा ये वगैरह होता था, बाकी नहीं होता था। तो अपडेट हो रहा है हर चीज, और अपडेट आपको कॉल कर रहा है, सर कर रहे हैं, क्योंकि खुद भी अपडेट है। मैं तो अभी देख कर, सर आपने जो स्पीच दी, मुझे लगा कि मुझे सर से अच्छी स्पीच देनी है, क्योंकि पढ़ाई भी ऐसी होती है, जब आप हमारे बोलते हैं हमारी भाषा में कि जिद करो, क्यों कहते हैं कोई फर्स्ट आ गया कि हम जिद करें, जिद का मतलब ये नहीं है कि आप ईर्ष्या करो उससे, इससे पढ़ाई होती है आगे, कि इसने ये मेरा दोस्त है, इसने मुझसे नंबर लाए तो आपने क्या करना है कि अगली बार मैं इससे ज़्यादा नंबर लाऊंगा, फिर आपका पढ़ना नहीं लगेगा। दूसरा, सर ने अभी एक चीज़ और बहुत अहम बताई, कई चीज़ें मेरे दिमाग से भी छूट जाती, सोशल मीडिया का ज़माना है, आईडी आप सभी लोगों ने बनाई होगी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी की होगी, लेकिन याद रखना इससे भयंकर चीज कोई नहीं है, सोशल मीडिया से भयंकर, जिससे जिंदगी तबाह हो जाएगी, इससे ज्यादा चीज कोई नहीं, और इस उम्र में, खासकर जिस उम्र में आप हैं,
फेसबुक चलाते हैं, आप जो है अनजान लोगों से बातचीत होती है, इसी उम्र में होती है, क्योंकि जब तो हमारी उम्र को जाएगा आपको पता चल जाएगा कौन सी फेक आईडी है कौन सी नहीं है। तो वह हुआ आपको वो सबसे ज़्यादा ठगी अभी होती है। इसलिए अगर आप फेसबुक नहीं चलाओगे अभी फिलहाल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं चलाना, अगर आप फेसबुक नहीं चलाओगे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। यूट्यूब देखिए, वहाँ पर जो आपको जो है पता नहीं है वहाँ पर लिखना, आपने सर्च करना और उस पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास खबरें आती हैं, हम देखते हैं कि जो नाबालिग होती है लड़कियां, वो सबसे ज्यादा बेकवर में आती है इसमें। और दूसरी बात ये है कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपने खुल के बातें करनी है चाहे किसी भी टॉपिक पे क्यों ना है। अब आप नाबालिग हैं, होता क्या है कि नाबालिग लड़के हो लड़कियां हो सबसे ज्यादा इसी बहकाव में आते हैं। इसलिए आपने खुद जागरूक रहना है, खुद तो रहना ही है, घर वालों को भी करना है। आज की तारीख में जब ठगी होती है ना, ठगी यहीं पर कई मामले आ गए हैं। कई लोगों के मुझे फोन आए कि हमारे साथ ऐसी जो है फेसबुक पर गलत आईडी बनाकर मैं पैसे मांगे मैसेज किए या फिर किसी को ब्लैकमेल किए। तो सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि सबसे भयंकर चीज है, इस पर आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अभी से जो है। मिलने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत जो है ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन चाहे कोई भी है आपसे बड़ा जो है, चाहे कोई भी है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे नौकरी वाला है, चाहे बिना नौकरी वाला है, जब आप उनसे बातचीत करोगे तो वो आपसे ज्यादा अनुभवी है, उनको ज्यादा पता है, वो आपको ज्यादा बताएंगे। लेकिन जैसा जितना अगर आप जब जैसे अभी गांव में है पंचायत में जब आप अपने पुराने बुजुर्गों के साथ बैठोगे तो वो भी आपको जानकारी देंगे, कई चीजें बताएंगे। तो उनसे भी हमें जानकारी लेनी है। लेकिन जितना हो सके, इनके कहने का मतलब है कि जहां आपको लग रहा है कि हमें दिक्कत पेश आ रही है, किसी भी चीज में हमें दिक्कत पेश आ रही है, तो आप अपने से बड़ों से पूछें।